इस चैनल पर उपस्थित विद्वान श्रोताओं, विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं और भक्तगणों, आप सभी को मेरा प्रणाम। भक्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यात्मक वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूं और उसमें हमारे किसी ना किसी सब्सक्राइबर बंधु का या श्रोता बंधु का कमेंट होता है। तो आज भी हमारे एक बहुत ही महान सब्सक्राइबर बंधु हैं और उनका नाम है विकास द्विवेदी जी। विकास द्विवेदी जी उन्नाव, मोरावा उन्नाव के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे सभ्य सब्सक्राइबर हैं और कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के रक्षक हैं एक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही विद्वान लोगों के कारण आज ये धर्म अस्तित्व में है, अन्यथा ये धर्म समाप्त होने के कगार पर भी है। क्योंकि कुछ जो अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं, मैं उन्हें अंग्रेजों के मानस पुत्र ही कहूंगा, एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि मैकाले ने क्या कहा था, तो वो तो इन चीजों को मानना ही नहीं चाहते और वीडियोज को भी फर्जी, फेक या झूठा कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जो सब्सक्राइबर बंधु हैं विकास जी, उनके प्रश्न को लेकर के चलता हूं। विकास जी के लिए मेरे पास प्रशंसा करने के लिए ये मानिए कोई शब्द नहीं है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बंधु हैं। तो विकास द्विवेदी जी लिखते हैं, उनका जो प्रश्न है वो रामचरित्र मानस से है, लक्ष्मण परशुराम संवाद से एक प्रश्न लिया है उन्होंने, चौपाई ली है, मैं उस चौपाई को पढ़ रहा हूं। मात पिता ऋण भाईनी के, गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जी के, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम जी। उनका जो प्रश्न है, लक्ष्मण जी कहते परशुराम जी से कि तुम्हारे जो माता पिता हैं उनका कर्ज तो आपने चुका दिया, उनका ऋण तो आपने चुका दिया, परंतु आपके गुरु का ऋण अभी तक बाकी रह रहा है, उसका बड़ा सोच है। तो वो ये पूछते हैं कि उन्होंने माता पिता का कर्ज कैसे चुका दिया, ऋण कैसे चुका दिया और गुरु का कौन सा ऋण उन पर बाकी है। तो भक्तों, सज्जनों, सब्सक्राइबर बंधुओं, ध्यान से सुनिए। महर्षि जगदमुनि और उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से महान परशुराम का जन्म हुआ था। वो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उस समय एक सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से है वंशी क्षत्रिय राजा था। वो बड़ा आताताई और अत्याचारी था। उसने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके उनसे वरदान ले लिया था और वो अजय और शक्तिशाली हो गए और वो यहां तक उनका अत्याचार पहुंच गया कि नारियों कार करने लग गए। ये स्थिति जब सहस्त्रबाहु अर्जुन की पहुंच गई तो उन्होंने एक दिन महर्षि जगदमुनि की पत्नी पर भी अपनी दृष्टि डाली और महर्षि को अपनी पत्नी पर थोड़ा सा शक हो जाता है। उस शक के चलते उन्होंने अपने पुत्रों, सभी पुत्रों को आदेश दिया कि तुम तुम्हारी माता का वध कर दो। तो इस पर अन्य पुत्र नहीं कर पाते, परंतु भगवान परशुराम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और माता का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। भक्तों, इस पर प्रसन्न होकर महर्षि जगदमुनि ने परशुराम जी से कहा, आप वर मांगिए पुत्र। तो इस पर परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवन दान देने का वर मांगा और यह भी कहा कि उन्हें यह कुछ याद ना रहे, इस घटना को वो भूल जाएं। तो महर्षि जगदमुनि पुनः रेणुका को जीवित कर देते हैं। इस प्रकार से उनका जो माता पिता का कर्जा था वो समाप्त हो गया, चुका दिया गया। मातृभक्त और पितृभक्त थे वो। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन का ज्यादा आतंक फैला तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की और भगवान शंकर को अपना गुरु बना लिया। भगवान शंकर से ही उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी।
जब वो अस्त्र विद्या में कुशल हो गए शंकर भगवान के सानिध्य में, तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे कहा कि पुत्र, आप आगे आने वाले कई युगों में बहुत अच्छे आचार्य सिद्ध होंगे। और पिनाक नामक एक धनुष शंकर भगवान ने परशुराम को दिया कि आप इसकी सहायता से सहस्राबाहु अर्जुन का वध कीजिए। और उन्होंने परशु भी उन्हें प्रदान किया था और उनका नाम जो परशुराम था वो उनके द्वारा दिया गया है, भगवान शंकर के द्वारा। जब विद्या पूर्ण हो गई तो भगवान शंकर से परशुराम जी बोले कि आप गुरुदक्षिणा लीजिए। तो भगवान शंकर ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में, एक तो रावण बंदी बना हुआ था सहस्राबाहु अर्जुन का, उसे छुड़ाने के लिए कहा। तो भगवान परशुराम रावण को सहस्राबाहु अर्जुन की कैद से छुड़ा देते हैं और सहस्राबाहु अर्जुन का वध भी कर देते हैं। मैं इस कथा को शॉर्ट में कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए भक्तों होता क्या है कि आदि दक्षिणा तो रावण को छुड़ा दिया और सहस्त्राभाव अर्जुन का वध कर दिया, इसके रूप में चुक जाती है। फिर परशुराम भगवान शंकर के पास पुनः जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु आप अपनी दक्षिणा बताइए, जो आधी दक्षिणा बची हुई है मैं उसे भी देकर के गौरवान्वित होना चाहता हूं। थोड़ा सा परशुराम के मन में अहंकार जागृत हो जाता है और इस पर जब भगवान परशु शंकर ने देखा कि परशुराम के मन में अहंकार है तो उन्होंने कहा कि आप शेष नाग के सिरों को लाकर के मुझ पर अर्पित कर दीजिए। भक्तों इतनी सुनकर के परशुराम जी ने हां कर दिया कि मैं शेष फनों को तुम पर चढ़ा दूंगा और वो वहां से शेष के फनों के लिए चल देते हैं। परंतु उसी समय भगवान शंकर को तो पता था कि शेष नाग जी इस समय अयोध्या में लक्ष्मण के रूप में अवतार धारण कर चुके हैं और जो भगवान शंकर ने जो धनुष दिया था पिनाक, वो पिनाक राजा जनक के पास आ पहुंचा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। और उस धनुष को भगवान श्री राम ने भंग कर दिया। सीता स्वयंवर की शर्त थी उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने की, परंतु भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। और जब उन्होंने इतना घोर शब्द सुना तो परशुराम जी ने ध्यान लगाकर देखा कि भाई जो पिनाक नामक धनुष है वो तोड़ दिया है, तो वो मिथिलापुर आ जाते हैं, जनकपुर आ जाते हैं। और उस समय उनका संवाद लक्ष्मण से होता है और तब लक्ष्मण उनसे कहते हैं, ब्याज आते हमारे माथे का हमारे शीशों को काटकर अपने गुरु पर चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी, गुरु दक्षिणा में दिया था आपने, परंतु बहुत दिन हो गए, उनका ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है। और दूसरी चौपाई ये कहते हैं, माँ तो पिता उरेण भाई नींग के गुरु रेण रहा सोच बड़ जी के, कि तुमने तो शेषनाग के सिरों को चढ़ाने का वायदा किया था, गुरुदक्षिणा दी थी अपने गुरु को और वो गुरु का ऋण तुम पर अभी बाकी है, उस ऋण को चुकाइए, इस बात का बड़ा सोच है। इस पर परशुराम क्रोधित होते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऋण बाकी रहा था? शेष नाग के फनों को चढ़ाना था शंकर भगवान पर और शंकर भगवान थे वो परशुराम के गुरु थे। सज्जनों इस प्रकार से जो लक्ष्मण जी थे उनके शीश काटने को लेकर एक रामायण की चौपाई का सहारा मैं और लेता हूं। खुद स्वयं परशुराम ने अपने मुंह से कहा है, उतरो दे तो छोड़ो बिन मारे केवल कौसे कुशील तुम्हारे। विश्वामित्र जी से कहते हैं परशुराम क्रोधित होकर के कि मैं इस बालक को केवल तुम्हारे कारण ही जीवित छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं इसको मार देता। और क्या कहते, न तो ये काटे कुठार कठोरे गुरु ही उरे न होते श्रम थोरे,
नहीं तो मैं इसके शीश काट करके आज ही अपने गुरु के जो ऋण था उससे ऋण हो जाता, उसे मुक्त हो जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शंकर का जो ऋण था वो शेषनाग के सिर चढ़ाने का था। भाई विकास द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप हमारा वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा कि जो धनुष था वो परशुराम का ही था, इसीलिए वो क्रोधित हो रहे थे उस पर। लक्ष्मण ने कहा था, बहुदन तोरे हैं लड़काई अतरिश कबहू ना कीन गोसाई, कि मैंने आपके ऐसे बहुत से धनुष तोड़ डाले पर आपने कभी क्रोध नहीं किया। अब इसके पीछे क्या कारण था कि ये धनुष भगवान शंकर ने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध करने के लिए दिया था परशुराम जी को, और इसीलिए स्वयं भगवान परशुराम ने कहा है, सुनो रामो जो से बोधन तोरा सहस्त्राबाहु समसोरे पमोरा, कि सुनो राम, जिसने ये शंकर भगवान का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्राबाहु के समान ही शत्रु होगा, मैं भी उसका आज वध कर दूंगा। परंतु परशुराम को जब ये पता चला कि राम तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, और उनको जो एक भगवान श्री हरि विष्णु का दिया हुआ धनुष था उसको दिया, कहा था रामो रमा पत कर धन लेहू खेचत चाप मेटे संदेहू, अर्थात हे भगवान राम, ये रमापति श्री हरि विष्णु का धनुष है, इस पर आप चाप चढ़ा दीजिए। तो भगवान श्री राम उस धनुष पर चाप चढ़ा देते, छूबत तो चाप आप चल गये परशुराम मनो विस्मित भयऊ, जब वो धनुष हाथ में उठाया तो अपने आप उस पर चाप चढ़ गया, प्रत्यंचा चढ़ गई। परशुराम को थोड़ा सा विस्मय हुआ और वो अपने प्रभु को पहचान गए, और वहीं उसी समय तपस्या के लिए चले गए। तो परशुराम जी पर जो ऋण था वो भगवान शेष के सिरों को चढ़ाना था अपने गुरु पर, और वो हमेशा के लिए बाकी रह गया, शेष रह गया, उससे ऋण नहीं हो पाए। तो भाई विकास द्विवेदी जी, ये था आपका प्रश्न, इसको मैंने वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से और शिव पुराण से मिश्रित कथा को लिया है। देखिए एक थोड़ी सी बात मैं और कहना, सारे शास्त्रों को पुराणों को पढ़िए और जब उनका निष्कर्ष निकालिए आपको हर बार अलग और नई बातें मिलेंगी। तो भाई विकास द्विवेदी जी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को, सभी दर्शक बंधुओं को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए आप यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।